आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। मैं हूं आपके साथ जहीर खान। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई, जो बेहद दर्दनाक है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की जिसमें मिलीभगत सामने आ रही है, जिसको लेकर व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर यहाँ जो व्यापारी, यहाँ इनकी कुछ मांग है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानकारी जरूरत है, क्या बुरा मामला जी? क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है और मैं अध्यक्ष हूँ उद्योग व्यापार मंडल का। क्या पूरा मामला बताइए। सिकंदराबाद में ये जो जघन्य अपराध हुआ है, जो मौत हुई है, अब 6 हो गई हैं। शराब पीकर जो मौत होनी है वो 6 मौत हो गई हैं वहाँ पर, और ये शासन प्रशासन की नाक के नीचे ही चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता प्रशासनिक अधिकारियों को पता ना हो, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार लिप्त रहता है। अगर भ्रष्टाचार इतना लिप्त है, इसकी वजह से आप ये समझिए, नशाखोरी अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो बलात्कार उसी की वजह से हो रहे हैं, लूट खसोट उसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि नशाखोरी जो करता है, जो नशे में होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस समाज के लिए मैं बदनुमा दाग हूँ क्या हूँ। उसके बाद भी जो शराब पी रहे हैं लोग, टैक्स अपना दे रहे हैं, कच्ची शराब बनाकर, सस्ती शराब बनाकर जो लोग उनको छल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो पैसे नहीं दे रहे हों मजदूर, कम सस्ती शराब दे बेच कर, तो ये सब आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के नाक के नीचे चल रहा है। अगर ये दोनों ये सही हो जाएं, दोनों विभाग सही हो जाएं, तो यहाँ पर नशाखोरी बंद हो जाए। भांग के जो वो टेंडर होता है, उसकी आड़ में ये अफीम यहाँ पर बिक रही है, हेरोइन यहाँ पर बिक रही है, हर एक चीज़ यहाँ पर बिक रही है बुलंदशहर में। हमने कई बार इस बात की आवाज़ उठाई और आज 5 लोगों को, बल्कि अब 6 हो गए, 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके परिवार का कौन भरण पोषण करेगा? क्या सरकार करेगी? मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग गरीब आदमी मरे हैं, उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए उनके खाते में दिए जाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनको मकान, ये सब मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये प्रशासनिक हत्या है। शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा हत्या है, मैं ये कहता हूँ। या और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो समाज में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अगर सरकार और हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ ये पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो जाए ना, तो इस तरीके की कोई भी गलत कार्रवाई हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु होना एक साथ और उनके परिवार में इस तरीके का माहौल हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा इन चीज़ों को दूर कराने के लिए। पूरी तरीके से गवर्नमेंट को भी हमें सहयोग देना चाहिए और हमारा प्रशासन जो है उसे भी सहयोग देना चाहिए। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो इस काम में दोषी है उसे पहले तो सजा दी जाए, और सबसे पहले जो समाज में ये काम करने वाले हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उन्हें सबसे पहले पकड़ा जाए, उनको दंड दिया जाए, और जो इस तरीके का काम करने वाले हैं उन्हें समाज से बिल्कुल निकाल दिया जाए, और जब भी हमारा समाज साफ सुथरा हो पाएगा। चलिए, साफ तौर से उनका कहना यही है, अगर शराब भी, अगर जैसे बच्चे ख़त्म हुए हैं तो उनको मुआवजा दिया जाए। इनकी मांग है प्रशासन से कि इनको जो मुआवजा है, चाहे 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, सरकार उसको दे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ अमर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।